हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती हूँ उन प्रोडक्ट्स से कि कई बार तो मैं ऐसे रैंडमली उन्हें यूज भी कर लेती हूँ और उसमें सारी चीजें शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेकअप, स्किन केयर है या हेयर केयर है, बट मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पसंद है। मैं कंटिन्यू यूज करती हूँ और मैं उन्हें रिप्लेस भी नहीं करना चाहती हूँ। और रिसेंटली जो मैंने ट्राई करे हुए हैं, क्योंकि सेम मेरा मंथली एडिशन और ऑब्सेशन जो कि बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, तो आई एम गोइंग टू शेयर दोज प्रोडक्ट जो कि मैं कह सकती हूँ आई कांट स्टॉप यूजिंग देम। दे आर माई फेवरेट, दे आर माई ऑब्सेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल जो कि बिल्कुल भी फ्री है। ओके, सारे प्रोडक्ट्स के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी एंड उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आपके टैग करूंगी, तो व्यू प्रोडक्ट में जाके देख सकते हो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Let's get started. तो ये पहली है वॉच जो कि मुझे मैंने गिफ्ट की थी एनिवर्सरी पे। दिस इज फ्रॉम वर्साचे एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि स्टार्टिंग में मुझे इट वॉज ओके लगी कि यार ठीक है, मतलब मेरे को ना पर्सनली बड़े डायल वाली वॉचेस बहुत पसंद है और ये बिल्कुल एकदम पतली सी डायल की वॉच थी, रेक्टेंगल, तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। बट ठीक है, मयंक का था गिफ्ट तो मैंने उसे रख लिया, तो फिर मेरे को लगा कि चल एक बार ट्राई करते हैं बहुत कम। तो फिर उसके बाद मैंने इसे जब पहनना शुरू किया, मुझे ये इतनी अच्छी, इतनी स्लीक, इतनी डेंटी, लाइक हर चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। कोई भी आउटफिट पहन लो, चंकी नहीं लगती, हैवी नहीं लगती। कई बार वॉचेस बहुत हैवी लगती हैं। सो आई लव माई दिस नॉर्ड ग्रीन की। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी कौन सी, तो ये नॉर्ड ग्रीन की भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगेन गिफ्टेड बाय मयंक, क्योंकि यूजुअली मयंक ही मुझे वॉच गिफ्ट करते हैं या मैं मयंक को वॉच गिफ्ट करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड यस, मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, नॉर्ड ग्रीन वाली को भी। नेक्स्ट जो है वो है ये ज्वेलरी बॉक्स, लाइक लुक एट दिस। किसी को ऑब्सेशन हो सकता है, जी हाँ मेरा हुआ है। अभी रिसेंटली मैं इसे ऑर्डर किया और मैंने एक और बड़ा ज्वेलरी बॉक्स ऑर्डर किया जस्ट बिकॉज आई हैव सो मेनी ज्वेलरी पीसेस। और मैं ना बहुत सॉर्टेड टाइप की बंदी हूँ, तो मुझे चीज़ें बड़ा संभाल के सेट करके रखना पसंद है। आई डोंट लाइक मेसी थिंग्स। खुद को मैं रख सकती हूँ, कुछ भी पहन लो, मतलब कम्फी वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मुझे हर वक्त बन सवर के रहना पसंद है, बट आई लाइक टू ऑर्गेनाइज माई थिंग्स, माई बेडरूम, एवरीथिंग। तो यहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी को भी ऑर्गेनाइज किया, ज़्यादा नहीं टिल्ट करूँगी तो बस गिर जाएगी। यहाँ पे मेरे सारे इयररिंग्स हैं, दिस इज माई नेकलेस, रिंग्स, अगेन दीज आर इयररिंग्स। कॉस्ट किया था 650 रुपीज, ये आपको इजिली अवेलेबल है मीशो पे, अमेजोन पे, अदरवाइज मैं टैग तो कर दूंगी, लिंक भी दे दूंगी आपको, देख लेना। और ये मुझे बहुत पसंद है, लाइक लुक एट दिस ज्वेलरी पीसेस, कितने सुंदर है ना ये। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने इनको रखा हुआ है। अब मुझे ये होता है कि कहीं जाना है तो मुझे अलग अलग बॉक्सेस में नहीं देखना पड़ता। ओके, अब स्टार्ट करते हुए स्किन केयर के प्रोडक्ट से जो मैं बहुत कंटिन्यू बेसिस पे यूज कर रही हूँ एंड उन्होंने मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं मेरे स्किन केयर गेम में। सबसे पहला है ये ब्राइटन एंड रिफाइन गोटू कोला ड्यू फ्रॉम 82 ईस्ट। तो ये दीपिका पादुकोण का ब्रांड है, आपको पता होगा, मैंने शॉर्ट्स पे शेयर किया था एंड मैं इसे ट्राई करती हूँ। यहाँ तक फिनिश हो गया, बहुत कम यूज़ होता है, मैं 2 to 3 pumps यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ अ हाइड्रेटिंग वन एंड बहुत लाइट वेट है, क्विक एब्जॉर्बिंग है। मुझे पर्सनली इसे यूज़ करना बहुत पसंद है, बट इट इज़ कॉस्टली गाइस, ये 2400-2500 रुपये आपको कॉस्ट करता है। लव द फ्रेग्रेंस, जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ ना, आई फील कि यार मैं बहुत एक बहुत ही प्यारी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको ऐसा लगता है कि यार आप उसे इस्तेमाल करते जाओ, यूज़ करते जाओ, ये उसमें से एक है। तो आप इनकी वेबसाइट से इसे बाय कर सकते हो, वैसे इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। ओके, सेकंड जो है ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड, लाइक अब कोई बात कर रहा था इसलिए मैंने इसे बाय किया। इट इज अवेलेबल एट अमेजोन एंड नायका, लिंक दे दूंगी। दिस इज एडवांस नेल 96 म्यूकिन और म्यूकिन पावर एसेंस। इसका जो टेक्सचर है इट्स लाइक वेरी यू नो स्टिकी जब आप निकालते हो, बट जैसे आप स्किन में लगाते हो ना, ये ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है एकदम मैजिक की तरह, वेरी नाइस। एंड यू गाइस कैन सी कि मैंने इसे काफी हद तक यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी रमजानों में मैं इसे कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, एट नाइट आई ओनली यूज दिस। तो इसमें इसे AM और PM दोनों स्किन केयर टाइम में यूज कर रही हूँ एंड लिटरली इसने रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट इज दिस मामा अर्थ का वाइटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम। आई लव दिस वाइटामिन सी सीरम क्योंकि इससे मेरी स्किन बहुत इंस्टेंट, मुझे रेडियंस जो मिलता है वो बहुत अच्छा है, हाइड्रेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि मिलता है एंड प्लस इसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ टर्मरिक भी है, तो ब्राइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट बॉटल इतनी हो चुकी है एंड ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। बाय द वे, अगर आप डायरेक्टली मामाअर्थ की वेबसाइट से बाय करते हो ना इसको, यू कैन यूज माई कोड शाय 2023 टू गेट 20% का ऑफ। इसके साथ मामाअर्थ सनस्क्रीन भी बहुत ही प्यारी सनस्क्रीन है, मुझे PR में एज अ प्रमोशन मिली थी, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे और मैं यूज
कर रही हूँ, इसको भी और इसको भी, तो मतलब ऐसे तो दो दो बार भी यूज कर लेती हूँ, नाइट टाइम में भी यूज करती हूँ, इसके रिजल्ट मुझे इतने अच्छे लगे। नेक्स्ट आई हैव दिस पिक्सी स्किन ट्रीट रोज सेरामाइड क्रम। यू गाइस कैन सी कि ये बची ही कितनी है, अगेन मुझे पीआर में मिली थी, बट दिस इज अमेजिंग। इसके अंदर सेरामाइड्स है, स्किन बैरियर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। हाँ जी, काफ़ी मेकअप, काफ़ी सारे एक्सपोजर, काफ़ी सारी केमिकल्स वगैरह की वजह से आपकी स्किन बैरियर ख़राब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में ये बहुत सही क्रीम है। एंड सो हाइड्रेटिंग, सो सो गुड, मेरी बहुत ही फेवरेट है। मैं इसे डेफिनेटली नायका से इसे मैं परचेज करूँगी, क्योंकि ये मेरी बस फिनिश होने वाली है। अच्छा, ऑल्टरनेट मैं आपको उसका बता दूँ, आप डॉट एंड की के सेरामाइड मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो, वेरी सिमिलर टू दैट, बट वो अफोर्डेबल है, दिस इज एक्सपेंसिव वन। दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आई कांट स्टॉप, लाइक लिटरली कांट स्टॉप, वो है ये स्मैश बॉक्स का हेलो हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर। आई लव दिस वन, यू गाइस कैन सी राइट नाउ, मैंने इसे अप्लाई किया, बाय द वे दिस इज हाइलाइटर एंड आई लव द फॉर्मुला। इतना लाइट वेट है, इतना क्रीमी टेक्सचर है, बट अभी समर्स आ रहे हैं, आई हैव नो आइडिया कि कितना टाइम में से यूज कर पाऊंगी, बट छोटा सस्ता भी है, मैं काफी सारे शेड्स आते हैं, तो मेरा शेड तो सही मुझे बहुत अच्छा मिला है, येलो, सो गुड गाइस। मतलब आप ऑन द गो से यूज कर लो, आपको अगर एकदम आलिया भट्ट वाला या फिर आडवाणी वाला एकदम नेचुरल वाला लुक चाहिए ना, दिस इज फॉर यू देन, कि आपको एग्जैक्टली वैसा वैसा देता है, बहुत सही है। देन नेक्स्ट इज ये है गोगो टिंट फ्रॉम बेनिफिट्स। आई लव दिस वन, स्पेशली द कलर बहुत सही है, फॉर्मुला इसका बहुत प्यारा है, लाइक यू नो आप इसे अपने लिप्स पे, आईज पे, चिक्स पे अप्लाई करो एंड फील्स लाइक नथिंग। ऐसा होता ना कि हैवी ब्लश या हैवी क्रीम ब्लश लगाए, नहीं, आप बेयर स्किन लगाओगे तो भी इतना ब्यूटीफुल लगेगा, और मेकअप के साथ लगाओगे तो भी ये उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। अभी बहुत हल्का अप्लाई किया है क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए था, एंड आई थिंक ये आपका बहुत टाइम चलने वाला है, 6 ml आपको मिल रहा है। या दिस इज एक्सपेंसिव वन, अगेन आपके बजट में हो, अगर इसको नहीं लेना चाहते तो आप लव वर्थ के टिंट्स ट्राई कर सकते हो, उसको भी मैं टैग कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल है एंड सिमिलर करता है, बट कलर अलग अलग है उसमें, यू नो बिल्कुल डिफरेंट है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस लिप प्लम्पर बाय फिजिशियन फॉर्मुला। तो मैंने रैंडमली बाय कर लिया था, तो ये मुझे इतना पसंद आया ना, स्पेशली इसको जब भी मैं निकालती हूँ तो मुझे मेरे स्कूल की याद आती है, क्योंकि स्कूल टाइम में ना ऐसे नॉट एग्जैक्टली लिप प्लम्पर बट लिप ग्लॉस आते थे जिसमें हल्की सी गोल्डन शीन होती थी, एंड उस टाइम मैं लिपस्टिक लगाती ही नहीं थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं जो भी लगा रही हूँ बहुत लगा रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे वही वाली याद आती है। 875 rupees कॉस्ट करेगा एंड आपको इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, ये लिप टॉपर का काम करेगा, लिप प्लम्पर का काम करेगा, प्लेन लिप ग्लॉस पिंक लिप्स पे लगा लो, वो भी बहुत प्यारा है, शाइन बहुत अच्छी है, डे टाइम स्पेशली बहुत सुंदर शाइन है, इट्स नॉट दैट थिक और स्टिकी, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट एंड जो लास्ट मैं आपके साथ मेरा ऑब्सेशन और ऐसे प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, वो है लव अर्थ की लिपस्टिक, इजिली अवेलेबल ऑन Amazon एंड नायका। ट्रस्ट मी, नायका पे भी आपको ये 50% ऑफ पे मिल जाएंगी, ये दो लिपस्टिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको टोटल 9 लिपस्टिक्स मिलेंगी। टेक्सचर इज अमेजिंग, द कलर रेंज इज सुपर गॉर्जियस, मतलब अगर आप न्यूड के, पिंक न्यूड, ब्राउन न्यूड, न्यूड्स, न्यूड्स, न्यूड्स के फैन हो तो ये वाला सेट ले लो यार, मतलब ब्लाइंडली ले लो एंड यू विल थैंक मी लेटर, क्योंकि ये इतने बेस्ट है। ट्रस्ट मी, अगर मैं कोई रिकमेंडेशन आपको बोलती हूँ ना तो वो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका उसमें पैसा जाना है, यू नो, एंड यू गाइज आर नॉट लाइक अस कि हमें तो प्यार भी मिल जाता है, हमारे पास पैसे भी बहुत है, आई नो ऐसा बहुत लोग बोलेंगे, इसलिए इस चीज को सोच समझ के कि आप वो चीज लो जो कि एक्चुअली में वर्थ इट है, ये वर्थ इट है कि बहुत सुंदर है ये लिपस्टिक्स एंड ये मिनी साइज है, तो आपकी चल भी बहुत सारी जाएंगी, 9 शेड्स मिल रहे हैं, वैसे 2000 rupees का ये पूरा सेट है, बट 50% ऑफ पे आपको 1000 का मिलेगा, मतलब एक लिपस्टिक आपको 120 rupees की समथिंग कुछ पड़ी, इससे ज्यादा नहीं। इसमें ये दो शेड मुझे इतने अच्छे लगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट वन इज दिस बॉटमलेस मिमोसा एंड सेकंड वन इज एस्प्रेसो मार्टिनी, एस्प्रेसो मार्टिनी, दोनों शेड्स बहुत सुंदर है, इसका कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है डार्क एंड लाइट का, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी रिसेंट मैंने वेडिंग में भी इसे कैरी किया और मैं डे टू डे बेसिस पे अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसे लगाना पसंद करती हूँ, टेक्सचर बहुत ही लाइट है, मतलब अभी लगा रखा है मुझे लग भी नहीं रहा, मैंने कुछ ऐसी लिपस्टिक भी लगाई है। ऑल्सो यू गाइज कैन यूज दिस एज अ ब्लश बिकॉज ये काफी क्रीमी है टेक्सचर में, यू गाइज कैन सी सुपर पिगमेंटेड, इजिली ब्लेंड हो जाती है, तो यू कैन यूज दिस एज अ ब्लश क्योंकि इसमें शेड्स है कोरल एंड पीची न्यूड्स के भी। नेक्स्ट एंड जो लास्ट आइटम है, मैंने रिसेंटली ट्राई किया एंड आई फील किया मैंने क्यों नहीं ट्राई किया था, और वो है ये प्लम का बॉडी लविंग शुगर बॉडी स्क्रब। गाइस स्मेल इज सो गुड, वनीला की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है एंड इट इज लाइक अ बटर, आई डोंट नो पेन कैसे करूं, इतना सॉफ्ट बॉडी स्क्रब है एंड इतना हाइड्रेटिंग है, मतलब ये आपके डेड स्किन सेल्स को हटाएगा ही हटाएगा, बट एट द सेम टाइम बहुत नरिशिंग है एंड मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। एज यू कैन सी काफी हद तक ये फिनिश हो गया है, और इसका सिमिलर है फाइंड योर हैप्पी प्लेस के बॉडी स्क्रब, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वेरी सिमिलर टेक्सचर। गाइज दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई कांट स्टॉप यूजिंग देम, दे आर द बेस्ट, ट्रस्ट
ट्रस्ट मी, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं ना कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारे मेरे बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने बजट के हिसाब से कभी ट्राई कर सकते हो। अगर मेरे मंथली फेवरेट्स हैं ट्रस्ट मी, मैं वही प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी जो कि वर्थ बाइंग है एंड वो बेस्ट है एंड मुझे ऐसा लगता है सारे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स। अच्छा लगा वीडियो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टा हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। ओके बाय, आई लव यू।